निदा फाजली ने खूब कहा है, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बार बार देखना। अब आप में और हम में 10-20 आदमी हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं ये बेशक एक मल्टीफेरियस पर्सनालिटी है। हम इन्हें एक प्लेराइट, राइटर, स्कॉलर, आर्टिस्ट बहुत से रूपों में जानते हैं, और हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर असगर वजाहत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बातचीत में शामिल होकर, और उम्मीद है कि देखने वालों को भी खुशी होगी। आपका नाम एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी थिएटर में, रंगमंच में एक पर्याय की तरह है। जब भी थिएटर की बात होती है तो लोग कहते हैं जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, क्यों ना उसी से शुरुआत की जाए, बिकॉज दैट इन अ वे इज योर सिग्नेचर। देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प अनुभव रहा। मतलब लिखते वक्त ये पूरी तरह विश्वास नहीं था नाटक का इतना स्वागत किया जाएगा। ये जरूर लगता था कि हाँ कुछ कुछ लिखा है। हवेली है, पूरी की पूरी हवेली। अब बताओ कितने कमरे हैं बेटा? 22। जब ये हुआ तो बहुत से लोगों ने, जिनका पंजाब का बैकग्राउंड था, उन्होंने ये कहा कि आपका बैकग्राउंड पंजाब का नहीं है, हबीब साहब का भी पंजाब का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो हम लोगों के, यानी पंजाब के लोगों के मन को जिसने छू लिया। और जो पार्टीशन स्टोरीज हैं बहुत तरह से लिखी गई हैं, लेकिन इसकी जो बात है, जो कशिश है, वो कुछ अलग सी है। देखिए, ये मानवता, मतलब ये कि इंसानियत को एड्रेस करने वाला जी, नाटक जी, है जी। जहाँ ये कहा है कि भाई जो देश है, धर्म है, जाति है, इन सबसे भी बड़ी चीज़ होती है मानवता जी। इन सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। तो इंसानियत जहाँ इस्टेब्लिश हो रही है तो वहाँ इंसानों की दिलचस्पी तो ज़रूर होगी। तो इसका पहला मंचन हबीब तनवीर साहब ने किया था 89 में। उसके बाद तो जैसे इसकी अपनी, यू नो, इट हैड अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, इट ट्रैवल ऑल ओवर। देखिए, उसके बाद दूसरा मंचन इसका एक दूसरे डायरेक्टर ने किया था कराची में जी, खालिद अहमद। अच्छा। और उनको वहाँ पर पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी करने की ये नाटक। उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन किए थे जो बड़े रोचक थे। अच्छा। पुलिस ने, कराची पुलिस ने जी, एक ऑब्जेक्शन ये था कि इसका लेखक जो है वो भारतीय है, दूसरा ये था कि जो केंद्र में हिंदू औरत आपने दिखाई है जी, मुख्य पात्र, वो बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ। तीसरा उनका ऑब्जेक्शन ये था कि मौलवी जो है उसकी हत्या हो जाती है नाटक के अंत में, तो इस कारण से उन्होंने अनुमति नहीं दी। लेकिन खालिद अहमद ने इसको वहाँ जर्मन इंफॉर्मेशन सेंटर में किया था जी, कराची में, और जो रिव्यूज आए थे वो मुझे भेजे थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में और इंडियन एक्सप्रेस में आए थे। एक अखबार ने लिखा था कराची के कि ये नाटक जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है जिसकी ज़रूरत आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। तो रिलीजियस टॉलरेंस की बात ये नाटक करता है कि मनुष्य जो है, मानवता जो है, इंसान जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इंसानियत की रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, और जो आपकी बहुत सारी राइटिंग में भी है, कि देयर इज ऑलवेज द वुमन्स पर्सपेक्टिव, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द वुमन, ये एक खासियत है। हाँ, देखिए, ये आपने बहुत पते की बात की है। इस नाटक में भी इसका जो जिसे कहना चाहिए कि महिला विमर्श है, स्त्री विमर्श जो है, जो विमेन डिस्कोर्स इस नाटक का बनता है, वो बड़ा मज़े का है। केंद्र में औरतें, माई है, हमीदा बेगम है, तन्नो है, मोहल्ले की दूसरी औरतें हैं, तो सारी अच्छाई का बीज इनके माध्यम से पड़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। इन्हीं के जरिए आदमी बदलते हैं। सिकंदर मिर्जा के अंदर जो बदलाव आता है वो अपनी पत्नी की वजह से आता है, हमीदा बेगम की वजह से आता है, जो समाज में शांति और एकता और भाईचारा बनाने की कोशिश महिलाएं करती हैं, उनकी भूमिका को देखने की ज़रूरत है।
इस नाटक में वो देखा गया। इससे पहले भी आपके कुछ नाटक मंचित जी हुए जी थे, जी वो कौन कौन से? सबसे पहला फुल लेंथ प्ले जो था उसका नाम था फिरंगी लौट आए, जी वो कविता नागपाल ने किया था। उसके ऊपर दूरदर्शन ने भी टेलीफिल्म बनाई थी जो चमन बग्गा ने डायरेक्ट की थी। और इसके बाद दूसरा नाटक जो मेरा हुआ वो था एन्ना की आवाज़, ये अनिल चौधरी ने किया था, NSD के हैं जिन्होंने बाद में एक सीरियल बनाया था कबीर। जी, जी, जी। और तीसरा नाटक मेरा वीर गति जो है वो M.K. रायना ने किया था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन था उसका, बहुत अच्छा था, ये एक म्यूजिकल प्ले था। तो ये तीन फुल लेंथ प्ले मेरे हो चुके थे। इस सब का बेसिस कहाँ से शुरू हुआ? व्हाट वाज योर बिगिनिंग, व्हाई डिड यू स्टार्ट राइटिंग? मेरा ये मानना है दरअसल कि बात को इस तरह से कहा जाना चाहिए कि वो सही वक्त पर सही जगह जाकर के इंसान को छुए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो होता है सटायर, वो होता है व्यंग, वो होता है कि आप बात को इस तरह से कहें कि उसका असर बढ़ जाए, है ना। सीधे सीधे बात को करने का कोई मतलब नहीं होता। आर्ट में हमेशा कहते हैं कि लकीर सीधी चलती चलती टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी, तो वो कला बनती है। अगर वो टेढ़ी ना हो तो कला नहीं बनेगी, सीधी चली जाएगी वो, है ना। तो ये मेरा मानना था कि मेरे फिक्शन में भी आप देखिएगा, कहानियों में भी, नाटक में भी और नॉन फिक्शन में भी, कि जो ड्रामे का एलिमेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट है, जो एक तरह से दो अलग अलग चीज़ों के टकराने से जो एक तीसरी चीज बनती है, तो वो एलिमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये शायद मैं ऐसा सोचता हूँ और करता हूँ बस। पर इसका बेसिस क्या रहा? वाज इट द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग यू हैड? आप किस तरह की किताबें पढ़ते थे? मुझे शौक रहा शुरू से घर के परिवेश की, वातावरण की वजह से क्लासिक्स का। अच्छा। तो क्लासिक्स में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। और आप जानते हैं कि कोई भी क्लासिक जो है वो क्लासिक बनता इसी तरह से है कि लोग उसे पसंद करें। अब डॉन क्विक्सोट जो है वो क्लासिक इसलिए बना है कि उसको लोग अब तक मज़ा आता है, लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है। इसी तरह से बहुत सा फिक्शन है हमारा जो क्लासिक फिक्शन है, और मज़ा आने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर थोड़ा सा नाटकीयता हो, कुछ ड्रामे का एलिमेंट हो, कुछ उसके अंदर मज़ेदारी हो, कुछ जिज्ञासा लोगों की जगह, कुछ सोचें लोग के और आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा। तो इस क्लासिकल लिटरेचर की वजह से मेरी शायद ऐसे ट्रेनिंग हुई। आपके कुछ चाहने वाले हैं जो आपके कॉलीग्स भी हैं, उनसे आपके बारे में कुछ बात करते हैं। असगर साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, उनको मैं अपना पसंदीदा नाटककार कहूँ, पसंदीदा कहानीकार कहूँ, पसंदीदा यात्रा आख्यान लेखक कहूँ, पसंदीदा निबंधकार कहूँ, पसंदीदा उपन्यासकार कहूँ, सारे विशेषण कम पड़ जाते हैं। असगर साहब इन सारी विधाओं में रमे हुए हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। असगर साहब के साथ रहने का, उनके साथ बात करने का, उनके साथ थोड़ा काम करने का मौका मिला है, और मैं कह सकता हूँ जितने बड़े लेखक हैं, जितने उम्दा लेखक हैं, असगर साहब उतने ही बड़े मनुष्य भी हैं। 2017 में जब बनासजन का ये अंक आया था, हर कैद से आज़ाद, असगर साहब किसी कैद में रहने वाले नहीं हैं। अगर उनकी कोई कैद है तो वो है प्रेम, मनुष्यता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, और इस पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाले बड़े लेखक हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाउ डज इट फील व्हेन व्हेन योर कॉलीग्स हैव दिस काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन अबाउट यू, जब इस तरह से बातें करते हैं? कुल मिला जुला के ये कह सकता हूँ कि अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा इस माने में लगता है कि आपके काम को जो आपने किया है उसको दूसरे लोग, और जाहिर सी बात है कि आपने अपने लिए नहीं किया, सबके लिए किया है, उन सब के लिए जो पढ़ रहे हैं, और उनको अगर अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेखक कोई हो ही नहीं सकता अगर उसका पाठक ना हो कोई। बिल्कुल। आप ऐसे लेखक की कल्पना कीजिए कि जिसका कोई पाठक नहीं, तो वो लेखक ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारे दोस्त, हमारे जो लोग हमें पढ़ते हैं, जो लोग मानते हैं,
उनसे बातचीत होती है, और मैं बताऊं कभी कभी 2 बजे रात को फ़ोन आ जाता है। अच्छा। 2 बजे रात को फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि मैंने आपकी ये किताब अभी ख़त्म की और पीछे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने आपका नंबर मिला दिया। अब ऐसे पाठक को आप क्या कहोगे, मतलब कुछ नहीं कह सकते हो। आपको साहब बहुत खुशी हुई आपने 2 बजे रात को फ़ोन किया, इतनी अच्छी किताब लगी कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। तो 2 बजे रात को नींद का टूटना आप भूल जाओगे, बिल्कुल भूल करके उसको दूसरी तरह से देखोगे। जब आप लिखते हैं तो अपने अलग अलग जो आपके किरदार होते हैं या सिचुएशंस होती हैं, उनको आप किस तरह से जीते हैं? सबसे जो ज़रूरी चीज़ मेरे लिए है वो एक बड़ा एकांत है जी, और वो अंदर का और बाहर का दोनों एकांत है। अगर मन के अंदर अशांति है, डिस्टरबेंसेस हैं, आपकी चिंताएं हैं, तो आप नहीं लिख पाएंगे, मैं नहीं लिख पाऊँगा। और अगर बाहर अशांति है तो बाहर भी उसकी वजह से भी नहीं। तो पात्रों से, अपने कैरेक्टर से एक बड़ा अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको एक बहुत पीसफुल माहौल चाहिए होता है, जहाँ आप अपने कैरेक्टर से बातें करते हैं, उसके साथ आपके संवाद होते हैं, वो आपके साथ रहता है, चलता है, खाता है, पीता है। अगर आप मेरे किसी पात्र के कैरेक्टर के बारे में पूछिए कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो ये क्या करेगा जी, 2-3 ऑप्शन हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसा करेगा, क्योंकि वो मेरे साथ रह चुका है, है ना, मैं उसे जानता हूँ, है ना। तो मैं ये जानता हूँ कि वो किस स्थिति में, किस हालत में, किस मौके पर क्या करेगा। तो पात्र से इतना गहरा परिचय होना बहुत ज़रूरी। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि जो पात्र है उसकी एक अपनी ही लाइफ हो जाती है, तो आप उसे लिखते नहीं हैं, वो खुद ही। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, पात्र को जब आप बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर जान आने लगती है, वो लाइव हो जाता है, और जब उसके अंदर जान आ जाती है तो फिर वो आपके काबू से बाहर निकल जाता है, फिर उसका अपना एग्जिस्टेंस अलग हो जाता है, और फिर वो अपनी बात कहता है जी। फिर वो लेखक का कहना भी नहीं मानता फिर आप उससे ऐसी बात कहलवा भी नहीं सकता लेखक जो वो नहीं कहना चाहता। तो इस तरह से आप देखते हो कि जिसको आपने बनाया था वो आपका, आपके विरोध में खड़ा है, कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे लिए ये क्यों लिखा, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरे लिए ये लिखो, मैं ऐसा बोलूँगा। आपको अपने हिसाब से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स लगे जिन जो बहुत ही ज़िद्दी, बेबाक, रिबेलियस टाइप के थे जिन्हें? देखिए, कैरेक्टर्स जो है वो आमतौर से कहाँ से उठाते हैं आप, लाइफ से उठाते जी, हैं, है ना जी, लाइफ से उठाते हैं। तो लाइफ में कैरेक्टर का जो रूप होता है वही आपको राइटिंग में मिलता है। बिल्कुल। तो मैंने ये कोशिश की इस तरह के कैरेक्टर्स को उठाने की कि जो ज़िंदगी में हो, बिल्कुल 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 काल्पनिक नहीं, है ना, तो वो ज़िंदगी में जैसे थे उस तरह से वो उपन्यास में, नॉवेल में, कहानियों में, नाटक में उस तरह से वो आते हैं। तो इसमें बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसी का कैरेक्टर है, माई का कैरेक्टर है, ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। ऐसी एक महिला थी और वो रह गई थी वहाँ लाहौर में, और उनको बहुत लोग बहुत पसंद करते थे, है ना। अब आप देखिए कि कितनी ज़्यादा उसके अंदर ताकत होगी, कितनी विल पावर होगी स्ट्रांग उसके अंदर, कितना उसका स्वभाव होगा कि वो सबके चले जाने के बाद भी अकेली माँ रह गई है और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जाने के लिए तैयार नहीं है, सब तरह के खतरे उठाने के लिए तैयार जी, बिल्कुल। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लेखक को, यानी मुझे, वो प्रभावित करते हैं, वो उनका उनका असर होता है, और क्योंकि उनका अपना अलग एग्जिस्टेंस बन जाता है, उनका अस्तित्व अलग बन जाता है। आप नाटक के लिए तैयारी करते हैं या कंसेप्चुलाइज करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसका एक सर्टन लेंथ होता है, चाहे फुल लेंथ नाटक हो चाहे छोटा हो, लेकिन जो नॉवल है वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो आप
how do you deal with it when you're writing? नॉवेल बिल्कुल अलग चीज़ है, और नॉवेल के बारे में कहा जाता है कि ये जीवन की विशद व्याख्या है. बिल्कुल, ये इपिक होता है. हाँ. इपिकल अप्रोच होता है किसी भी बड़े नॉवेल का. छोट मैं साधारण की बात नहीं कर रहा हूँ. तो उसमें बीसियों कैरेक्टर होते हैं, उसमें दसियों स्थितियाँ बनती हैं, उसमें एक लंबा कालखंड होता है, 200 साल 100 साल तक का उसमें कालखंड हो सकता है. इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. जो अंडरकरंट्स चल रहे हैं, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल अंडरकरंट्स हो रहे हैं, वो भी सब अपना असर दिखा रहे हैं कैरेक्टर्स के ऊपर. लोग बदल रहे हैं, ज़िंदगी बदल रही है, आगे बढ़ रही है, चल रही है ना. तो नॉवेल जो है वो एक बहुत ही बहुत बड़ा कैनवस उसका होता है. मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ आपको, लेकिन शायद आम तौर से नाटक का उतना बड़ा कैनवस शायद नहीं होता है. नॉवेल का बहुत बड़ा कैनवस होता है. इसीलिए कहते हैं कि लेखक की असली पहचान ये है कि उसने कोई नॉवेल लिखा हो. What made you decide to go towards screenplay writing? लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना है ना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और आज के ज़माने में इस चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जी. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास जाना होगा. अब देखिए, पहले ज़माने में हम लोग लिखते थे, वो हमने डाक से कहीं छपने के लिए भेजा, उसके बाद वो 3 महीने में छपा, 3 महीने में डाक में वो बांटा गया, 3 महीने लोगों ने पढ़ने में लगाए. तो आपकी एक राइटिंग के ऊपर कम से कम 1 साल में रिएक्शंस आने शुरू होते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. तो जो विजुअल मीडियम है, फिल्म का मीडियम है या टेलीविज़न का मीडियम है, ये मीडियम आपको दूर तक ले जाते हैं. अब आप ये कह सकती हैं कि वो बात तो नहीं होती ना जो लिखे हुए में होती है. हाँ, ये ठीक है, वो बात नहीं होती. लेकिन विजुअल आपको लिखे हुए की तरफ इंस्पायर करता है. आप जब प्रेमचंद की कहानी देखते हैं विजुअल, तो आपको लगता है कि मैं पढ़ूंगी इसको, देखूंगी. हाँ. जब लिखा होगा तो कैसे लिखा है जी, है ना. जब विजुअल इतना अच्छा आ रहा है तो मैं ओरिजिनल पढ़ना चाहती हूँ. जब आप कोई बहुत खूबसूरत सी कृति पढ़ते हैं, फिर उसको जब आप अपनी इमेजिनेशन से उसको क्रिएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन यू सी इट ऑन द स्क्रीन एज एन इंटरप्रिटेशन बाय समबडी एल्स, वो एक रीडर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है. हाँ, देखिए, इंटरप्रिटेशन की बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि जो कलेक्टिव आर्ट है, जैसे थिएटर है, फिल्म है, ये एक ग्रुप इसमें शामिल होता है, इंडिविजुअल आर्ट नहीं है, है ना. इंडिविजुअल आर्ट नहीं है. तो जब आपके साथ एक ग्रुप काम कर रहा है, तो ग्रुप में हर आदमी आर्टिस्ट है जी. जो लाइटिंग कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो भी आर्टिस्ट है, कैमरा जो चल रहा है वो भी आर्टिस्ट है. ये सब उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो राइटर के जो वर्ड्स हैं, राइटर के जो थॉट्स हैं, वो इन्हेंस होते हैं, वो बढ़ते हैं. तो राइटर ये नहीं कह सकता कि नहीं, अब ये सिर्फ मेरी रचना है. उसकी रचना नहीं रह जाती है, वो सबकी रचना बन जाती है ना. सबका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्टिव हो जाता है, कलेक्टिव हो जाता है. अब ज़रूरी है नहीं है कि वो मक्खी पर मक्खी बैठने वाली बात हो. जैसे आपने कहानी में अगर एक वर्ड लिख दिया तो वही विजुअल में भी आएगा, बिल्कुल नहीं. विजुअल उसका एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल उसका विस्तार होता है. तो इस तरह से विजुअल और वर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कई लेवल की होती है. हर लेखक को अपने शब्द जिस तरह से जिस बैलेंस में लिखे गए हैं उसी में पसंद आते हैं. तो जब कोई और एक एक ग्रुप में उसे अपनी तरफ से प्रेजेंट करता है, तो क्या लेखक को मुश्किल होती है? देखिए, लेखक को मुश्किल वह होती है जहाँ वो ये समझता है कि जो हमारा मेन जो थ्रस्ट एरिया है जी, जो कंसर्न है, जैसे हमें तो राइट को जाना है, लेकिन ये डायरेक्टर जो है इसको लेफ्ट को ले जा रहा है. वहाँ उसको अनकंफर्टेबल फील करता है. लेकिन अगर वो समझता है कि हाँ, जिधर हमें जाना है, जिधर कंटेंट जा रहा है, उधर ही उसी डायरेक्शन में इन्हेंस हो रहा है, तब उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि हाँ, बहुत अच्छा है. तो अच्छे डायरेक्टर्स हमेशा ये समझ लेते हैं कि रचना का जो थ्रस्ट है, जो डायरेक्शन है, वो क्या है. सो आपकी जो राइटिंग्स पे जो फिल्में बनी हैं,
उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। दो नाटकों पर राजकुमार संतोषी फिल्म बना रहे हैं, एक पर तो शूटिंग हो गई है पूरी जी। इस नाटक का नाम है godse@gandhi.com और दूसरा नाटक जो है जिस लाहौर ने देखा उस पर शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। ये भी मज़े की बात है कि एक डायरेक्टर ने मेरे दो प्ले क्यों पसंद किए, और वो भी कोई मामूली डायरेक्टर नहीं है, बहुत ही मतलब उसकी इंडस्ट्री में भी और इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत अच्छी रिपुटेशन है, बहुत गहरी नज़र है उसकी, और वो अपने करेक्टर्स को और सिचुएशंस को जितनी बारीकी से उभारते हैं वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस तरह की स्टोरीज उन्होंने भी पहले नहीं की हुई हैं। उन्होंने भगत सिंह की फिल्म बनाई हाँ। तो ये उन्होंने जो लिए हैं दोनों मेरी चीज़ें हाँ। तो इससे मुझे ये लगता है कि मेरी जो और भी जो मैंने लिखा है वो दरअसल उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर उसकी लोगों को जानकारी हो तो वो शायद उसको उसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो मेरी राइटिंग जो है वो दरअसल एक तरह से विजुअल, उसमें जो पोटेंशियल है वो है, ऐसा नहीं है कि वो विजुअल उसमें ना हो, तो इसीलिए इन लोगों ने उसको लिया है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि कहानी फिल्म में चली गई तो वो कैसी होती है, क्या होता है, उसमें क्या बदलाव आते हैं, वो सब हम देखेंगे इन फिल्मों में। संतोषी जी मुझसे डिस्कस करके कि भाई अब यहाँ क्या हम ये करें, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, या ये मुझे करना है, आप बताइए कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एग्री करें, हम कभी डिसएग्री भी करते हैं। बिल्कुल। तो जब आप मास मीडिया में जाते हैं तो मास मीडिया के अपने प्रेशर्स भी हैं, उन प्रेशर्स को भी देखना पड़ता है। और उसको आप बारीकी से इसलिए समझते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ, मास मीडिया के स्टूडेंट्स के साथ तो आपका एक कनेक्शन है ही थ्रू योर टीचिंग। टीचिंग जो है वो आपको ये बताती है कि हाँ जो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, कैसा है, हम उसको भी समझने की कोशिश करें, सिर्फ अपनी बात ना करें। थोड़ी बात करते हैं आपकी ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के बारे में तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश है, इच्छा है कि मैं दुनिया में जितनी जगह हैं सब देख लूँ और जितने लोग हैं दुनिया में सबसे मिल लूँ। वैसे आप काफ़ी शाय हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, आप कहीं पर भी चले जाएँ अपने आप को ज़्यादा जाहिर नहीं करते, एंड येट सबसे बातचीत करना आपको पसंद है। देखिए जब आप अपने को जाहिर कर देते हैं ना तो अपने को आप लिमिट कर देते हैं, बांध देते हैं जी। आपने देखा होगा कि बड़े जो पब्लिक पर्सनालिटीज होती हैं तो उनके अनुभव बहुत सीमित हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते, वो किसी चाय के ढाबे पे बैठ के चाय पीते हुए चाय वाले से बात नहीं कर सकते जी, क्योंकि वहाँ भीड़ लग जाएगी, लोग आ जाएंगे, हुल्लड़ मचेगा, ये वो नहीं कर सकते, उनको आदत भी नहीं रही है वो करने की, तो उनको नई चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। हम लोगों को जो हम सड़क छाप चलते रहते हैं है ना, तो हमारे लिए वो सब खुला हुआ है, हम जहाँ चाहें बैठ जाएं, जिससे चाहें बात करें, जो चाहें सुने, जो चाहें कहें, हमें सब मिलता है। तो ये है कि लेखक के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी उसको पहचाना ना जाए, उसके काम को पहचान दिया। लोग कहते हैं आप कंफर्म कीजिएगा कि शरदचंद कहीं गए थे और उनको ये दिखाना था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा। हाँ तो उन्होंने पूरे गांव को हमेशा ही लगता रहा कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। गांव में कोई तार आया था जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ये पढ़ सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ा, कि ये राज खुल जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो लेखक को ऐसा होना उसके लिए अच्छा होता है। किस तरह से आपका एक इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ रहता है तो आपके कोई कई कॉलीग्स ऐसे भी हैं जो कॉलीग्स होते हुए भी आपको एक टीचर के रूप में देखते हैं, उन्हीं में से एक हैं जिनसे हम अब रूबरू होते हैं। जरूर, जरूर। सर को मैं जो है 1999 से तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, स्टूडेंट लाइफ से, उन्होंने मुझे एमए पढ़ाया भी है,
तो जब हम यहाँ आए थे तो हमारे जो सीनियर्स थे वो ये कहते थे कि हम जो यहाँ एमए में एडमिशन लेने आए हैं जामिया में, वो जामिया की वजह से नहीं बल्कि असगर वजह साहब की वजह से आए हैं। और ये बाद में मैंने देखी भी, क्योंकि उन्होंने एमए में पढ़ाते हुए जो उनकी प्रयोग धर्मिता थी, और इसके बाद जो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में नए नए कोर्स जो है टी पत्रकारिता और पत्रकारिता, और उसके बाद वो जब मास्कॉम के डायरेक्टर बने तो उसमें जो उन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स चलाया वो बहुत पॉपुलर है, अभी बहुत पॉपुलर है। तो सर जो है बहुत ही प्रयोग धर्मी हैं। अभी देखिए जैसे कि अभी लॉकडाउन में सब लोग जो है जब बंद हो गए घरों में, तो चूंकि वो यात्रा तो कर नहीं सकते थे, उन्होंने नई यात्रा निकाली, पेंटिंग करना शुरू किया और नई नई छोटी कहानियाँ ये सब लिखना शुरू किया। और मुझे भी फ़ोन पे या जो उनके लोग हैं सबको फ़ोन पे बताते रहे कि क्या कर सकते हैं। तो सर का ये एक बहुत ही वो है। दूसरा सर का एक ये मैंने देखा है कि वो अपनी चीज़ का प्रचार करते ही नहीं, जैसे आजकल पूरा प्रचार तंत्र बना हुआ है अपनी अपनी चीज़ों का साहित्य में भी, तो बिल्कुल प्रचार नहीं करते। और मैंने पाया कि मैं खुद जो है गया, जो टॉम मिल्टन उनका नाटक कर रहे थे गांधी और गोडसे वाला, तो वो पता लगा वजह साहब का नाटक हो रहा है, मैं वहाँ गया तो वहाँ मुलाकात हुई। सर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपीलिंग है। और सर टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं इस उम्र में भी, हम चाहते हैं कि उनकी उम्र, उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और उम्र उनकी लंबी हो। आपका पर्सनालिटी ट्रेट और भी है जो एक आर्टिस्ट का रूप है, ये एक्सप्रेशन की आपको क्या ज़रूरत फील होती है? ये बहुत मेरे लिए भी एक सवाल है ना, कि लिखते लिखते अचानक मेरा जो है वो विजुअल में जो कलर है और जो फॉर्म है उसमें दिलचस्पी क्यों पैदा हो जाती है? क्यों? कोई मजबूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा पेंटर बन जाऊँ। इसकी शायद वजह ये है कि मैं बुनियादी तौर पर नहीं, बचपन में मैं पेंटर बनना चाहता था। अच्छा। नहीं बन सका। अच्छा। है ना, तो वो एक कहीं बहुत दबी हुई इच्छा है। नंबर दो, ऐसा भी लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप वर्ड्स में, शब्दों में नहीं कह सकते। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो सिर्फ रंगों में और फार्म में ही आ सकती हैं सामने। बिल्कुल। तो रंगों और फार्मों में जो फीलिंग्स आती हैं उनके लिए पेंटिंग करना, उनके लिए एक विजुअल बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये दो वजहें हो सकती हैं जिसमें कि मुझे विजुअल से दिलचस्पी है। और दो एग्जीबिशंस की थी मैंने यूरोप में अपनी, अभी यहाँ एक की थी, दो साल हुए आईफैक्स में। बनाता रहता हूँ और दोस्तों को बांटता रहता हूँ, करता रहता हूँ अपना। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं कोई ऐसी चीज़ बनाता हूँ विजुअल जो मुझे अच्छी लगे। और मुझे अच्छी लगने का भी मैं आपको बताऊं कि बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि वो एक टाइम फ्रेम होता है। मान लीजिए 2 साल तक अच्छी लगेगी आपको, 3रे साल फिर नहीं लगेगी। अरे आप ये कहेंगे ये नहीं, इसके अंदर उतनी ताकत नहीं है मुझे रोकने की, तो बस 2 साल में ये एग्जॉस्ट हो गई, 2 साल में ख़त्म हो गई। किसी चीज़ को आप कई बार बहुत शिद्दत से जब चाहते हैं तो उसकी आप जो मियाद है वो छोटी करके उसको उसी वक्त जी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो भी करें, हम तो जानते हैं कि उस वो इट्स गोइंग टू बी इटर्नल, ऑल योर राइटिंग एंड योर पेंटिंग एंड योर अदर एक्सप्रेशंस। तो इस उम्मीद के साथ कि फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे किसी और प्रोग्राम में। जरूर जरूर जरूर। सो ग्रेटफुल दैट यू वर हियर टुडे। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत खुशी, बहुत नमस्कार। नमस्कार। हमें उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।